उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ लगातार जो वकीलों का जो बार एसोसिएशन का जो धरना है और ये कहा सकता है कि हड़ताल अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन, लखनऊ एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन हैं सभी हड़ताल पर जारी है और कहीं ना कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर जो हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, बर्बरता हुई, उसके न्याय के लेकर लगातार हड़ताल की। हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश जी हैं, महामंत्री हैं और तमाम कार्यकारी सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। पहले हम अध्यक्ष जी बात करते हैं। अध्यक्ष जी, लगातार आप लोग की हड़ताल जारी है, क्या चाहते हैं, क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आप लोग चाहते हैं सरकार से? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारी प्राथमिकता है और जिसके पहले पहला कदम भी सरकार ने उठाया है। ये अंतिम चरण नहीं है, पहला चरण है, अभी इसके में कई चरण बाकी हैं। तो मैं चाहूँगा जितनी जल्दी से जल्दी होगी सारे चरण पूरा करके और इसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मेन पीड़ा है, जो हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हापुड़ में लाठीचार्ज हुआ, निहत्ते अधिवक्ताओं को मारा गया, महिला अधिवक्ताओं को मारा गया, बुरी तरह से मारा गया, घायल किया गया और बिना किसी कारण के मारा गया, जिसके संबंध में लगातार पूरे प्रदेश में हड़ताल जारी है। और उसमें हमारी जो मुख्य मांग थी कि वहाँ के डीएम एसपी का ट्रांसफ़र किया जाए, अधिवक्ताओं को मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके पर कार्रवाई की जाए। जिस दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR तो माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हो गई है, परंतु वहाँ के डीएम एसपी को अभी तक वहाँ से हटाया नहीं गया है, जो कि बहुत साधारण और सिंपल मांग थी। क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो इनकी पॉलिसी मैटर में सरकार की आता है, वो रोज़ आना दसियों डीएम का, दसियों एसपी का ट्रांसफ़र होता है, मगर किन्हीं कारणों से लोग जो वहाँ के अधिकारीगण हैं उनके मिसगाइड करने के कारण, सरकार को सही बात न बताने के कारण अभी तक दोनों का ट्रांसफ़र नहीं किया गया, जो बहुत निंदनीय है और बहुत शोचनीय विषय है कि अगर इतने अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद एक डीएम और एसपी का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वास्तव में ये निंदा का विषय है। और सरकार को भी इस पर सोचना होगा कि कहीं ना कहीं इसमें मनमानी की जा रही, अधिकारी उसमें मिसगाइड कर रहे हैं और वहाँ पर गलत मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत फीडिंग दे रहे हैं, जिसके कारण अभी तक वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ और पूरा प्रदेश आज 21 दिन से 22 दिन से कब है हड़ताल की आग में जल रहा, दरदार दरा के प्रदर्शन हो रहे हैं और उससे वादकारी अधिवक्ताओं और जाकर जनता सबको परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि दो लोगों, दो अफसरों के कारण अगर पूरे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन हो रहा है तो उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए और लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और लोगों के लिए सरकार हमेशा जनता की होती, कभी अधिकारियों की नहीं होती है। अधिकारी आज इस सरकार के हैं, कल दूसरी सरकार के होंगे, जब भी नई सरकार आती है तो उसके लिए हो जाते हैं अधिकारी। जनता हमेशा सरकार के साथ रहती है, इसे जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको ट्रांसफ़र करनी चाहिए दोनों का, और अधिवक्ताओं को जो उचित मुआवजा बनता है वो देना चाहिए, उनका अधिकार है। अधिवक्ताओं को उचित मुआवजा और साथ साथ तमाम चीज़ें देनी होंगी सरकार को, ये मांग है। महामंत्री जी, आपसे जानना चाहिए एडवोकेट जो एक्ट जो आप लोग बता रहे हैं उसमें क्या है और क्या उससे सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं होती रहती हैं। जब तक उसका प्रारूप हम लोगों के सामने नहीं आ जाता है तब तक ये बता पाना संभव नहीं है कि उससे अधिवक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रारूप आएगा, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, तब हम बता पाएंगे वो कितना प्रभावी होगा। कानून बनाना एक अलग बात है, वो कानून का प्रभावी और कितना उपयोगी है अलग बात है। इस बात का जवाब तभी दिया जा सकता है जब एक कानून ड्राफ्ट हो जाएगा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तब ये मालूम होगा ये कानून कितना प्रभावी होगा अधिवक्ताओं के लिए। अभी इसका जवाब दिया जाना संभव नहीं है। आप लोग मसौदा तैयार करने पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, मसौदे में नहीं बताया गया आप लोग क्या हो सकता है मसौदे में? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया गया है, अभी बहुत ही फॉर्मल शुरुआत है, उसमें लिखा गया विचार विमर्श के लिए, तो अभी बहुत फॉर्मल शुरुआत है, अभी इसको नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि उसमें जब पुलिस का प्रतिनिधि शामिल हो गया है तो जहां पुलिस का प्रतिनिधि शामिल हो जाएगा वहां पे न्याय मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार ने जो उस कमेटी बनाई है उसमें पुलिस अधिकारियों को उस कमेटी में मेंबर क्यों रखा गया जा करके। मेंबर रखना था तो किसी जज को रख लेते जिसको कानून की जानकारी होती है, प्रशासनिक अधिकारियों को रख लेते। लेकिन जो हम लोगों की बार बार पीड़ा है, कहीं भी कोई मामला होता है तो पुलिस अधिकारी को रख लेते हैं। आपने कमिश्नरी सिस्टम बना दिया, पुलिस ही मुकदमा लिखेगी, पुलिस ही उसकी जांच करेगी, पुलिस ही उसका
ट्रायल के बाद जजमेंट करेगी, जो सब पुलिस को ही करना है तो न्याय मिलने की संभावना कहाँ से है। तो इस जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में प्रमा फैसे जो पुलिस अधिकारी रखा गया है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं उसकी जगह पर किसी कानूनविद व्यक्ति को रख लेते तो कानून बनने की सकारात्मक पहल होती जा करके। प्रयास तो है लेकिन जो मंशा है बड़ी अच्छी नहीं दिख रही है, वो कितनी सकारात्मक रूप से सरकार को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम घोषित करना चाहिए कि इतने दिन में इसमें विचार विमर्श हो जाएगा, इतने दिन में कानून बन जाएगा, इतने दिन में पेश हो जाएगा, इतने दिन में पास हो जाएगा, इतने दिन में राज्यपाल इसमें साइन कर देंगे और ये मसौदा कानून रूप ले लेगा। सरकार पूर्ण बहुमत में है इसलिए सरकार इसको तुरंत बना सकती है, बनाना चाहे, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है सरकार कितना कटिबद्ध है अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए। देखिए सरकार ने एक पहल तो की है लेकिन वो जो मसौदा तैयार किया है उसको पहले जानकारी देने को, जो पुलिस का हिस्सा है उसको सरकार को हटाना चाहिए, तब शायद जाकर मसौदे में जो अधिवक्ता हैं वो कहीं नहीं मानेंगे। एक सवाल और है इनसे जानते हैं। दूसरी हम लोगों की मांग है, बहुत छोटी मांग, और अध्यक्ष जी ने मैंने बता दिया है जो ट्रांसफ़र करने की हम लोग मांग कर ही रहे हैं, कंपनसेट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, सबको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं और इस बात से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, वो किसी भी फोरम पर आकर के इस बात की डिबेट करें, आकर के हमसे करें, आकर के हमारे किसी भाई से करें, आकर के कि कानून के किस प्रावधान में लिखा हुआ है एक गिरे हुए व्यक्ति को 5-5, 6-6 पुलिस वाले उसको लाठी डंडों से मार रहे हैं, एक मारते हुए महिला अधिवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, वॉलेंट्री काजिंग हर्ट होता है कानून में, भागते हुए मारने कोई अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं, गिरे हुए व्यक्ति को मारने कोई अधिकार नहीं, एक गुड्ढा अधिवक्ता 60 साल 70 साल का उसको आप मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, क्योंकि सरकार से लड़ने के लिए अधिवक्ता और समुदाय दो ही लोग हैं, और मैं तो लगातार इस बात की मांग करता हूं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समाज का ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करता है, समाज में अच्छाई के लिए लड़ता है, उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अधिवक्ताओं पत्रकारों दोनों को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए लखनऊ में घटना हुई थी, पीयूष मोटिया जी ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की थी, हम लोगों ने एक दिन का बायकाट किया था, पत्रकारों को समर्थन दिया था। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन के साथ साथ जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट वो भी लागू होना चाहिए, और सरकार को तत्काल जो सोशल मीडिया पे विजुअल्स हैं, जो पुलिसकर्मी हमारे अधिवक्ता भाइयों बहनों गिरे हुए को मार रहे हैं, उनको इन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। मेरी लगातार हापुड़ के लोगों से बात हो रही, आज भी मेरी बात हुई, उनका कहना अगर सरकार न्याय देना चाहती है तो उन पुलिस वालों को चिन्हित करके जो गिरे हुए लोगों को मार रहे हैं, और वो सूची भी वहाँ दे दी गई है, मेरे बाद भी सूची आ जाएगी वो, कि जो पुलिसकर्मी मार रहे हैं उनको चिन्हित किया है अधिवक्ता बंधुओं ने, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नितांत ही निराशाजनक, जितनी भी इसकी आलोचना की जाए वो कम है, और सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर के उन पुलिसकर्मियों को दंडित करना चाहिए। सबसे पहले उनको दंडित करना चाहिए जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे गिरे हुए अधिवक्ता भाइयों बहनों को दौड़ा दौड़ा करके मारा है, और अगर उनको दंडित नहीं किया जाता है तो ये मैसेज सरकार के खिलाफ बहुत बुरा जाएगा और इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी जा करके। इसमें किसी ट्रायल की जरूरत नहीं, इसमें किसी भी जांच की जरूरत नहीं, इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं, जो सामने दिख रहा है, विजुअल्स में दिख रहा है, महिला अधिवक्ता हमारी भाग रही है उसको मारा जा रहा है, हमारा वकील भाई जमीन बिगड़ा हुआ उसको मारा जा रहा है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें SIT क्या जांच देगी, इसमें जांच करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि अधिवक्ताओं पत्रकारों को दबाने की लगातार साजिश हो रही है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर सरकार उन पुलिसकर्मियों को तत्काल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार भुगतने को तैयार रहे। ये जनता किसी को माफ़ नहीं करती है और इसका मुंहतोड़ जवाब सरकार को जनता देगी, पब्लिक देगी, और इसका खामियाजा भुगतेगी सरकार। लेकिन सरकार ने अगर जल्दी ही निर्णय ले लिया तो इसका खामियाजा भुगतेंगी, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। क्या मानते हैं कि लगातार जो अधिवक्ता हैं वो सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर आप कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? जैसा कि आप आए दिन होती घटनाओं को देखते ही होंगे, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को सारे समाज से सारी जानकारी मिला करती है, आप ही लोग उसको उजागर भी करते हैं, तो आपको खुद ही दिखता होगा कि पत्र इस समय जो पुलिस है
अधिवक्ताओं के प्रति कितना जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जहाँ भी छोटी छोटी घटनाओं पे पीटना पाड़ना, मुकदमे लिखना, जेल भेज देना, इस तरह के लगातार उनका जो है रवैया चल रहा है अधिवक्ताओं के प्रति। तो हम लोग तो जो मांगे हैं हम लोगों की, उन मांगों में से कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो सरकार तुरंत ना कर पाए, उसको तुरंत कर देना चाहिए था। सरकार भी ये चाह रही है कि अधिवक्ताओं का आंदोलन और खींचे, जनता को जो है और परेशानियां हो, ये सरकार की मंशा है। अधिवक्ता कभी ये नहीं चाहता कि हम अपना रोजी रोटी, चूंकि हमारा परिवार हमारे व्यवसाय से ही चलता है, अधिवक्ताओं का जो रोजगार है वो व्यवसाय से ही चलता है, तो अधिवक्ता भी किसी आंदोलन के इतने ज़्यादा दिन खींचने में विश्वास नहीं करता है। लेकिन चूंकि सरकार की ऐसी मंशा, वो चाहती पब्लिक परेशान हो, अधिवक्ता परेशान हो, और उनके खिलाफ जो है जो दोषी पुलिसकर्मी है या दोषी वहाँ के अधिकारी हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक सरकार ने नहीं किया। जो मसौदा उन्होंने तैयार किया है वो भी अभी हवा हवाई है, प्रथम पायदान है, जिसमें हमारे मंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही है कि चूंकि पुलिस जहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, पुलिस से ही हमारा ग्रीवांस है, अगर पुलिस ही हमारी कमेटी में आ जाएगी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, तो उसमें पुलिस हमको क्या लाभ देगी। अल्टीमेटम कहे जा सकता है कि एक तरह का अल्टीमेटम जो कहा जा सकता है कि जो आप लोग हड़ताल है, आज आप लोग बैठक करेंगे, क्या अल्टीमेटम सरकार को ये बड़ा निर्णय भी हो सकता है कि अगर सरकार नहीं माने? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हापुड़ में डीएम और स्पीकर तबादला ना हुआ हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। हो सकता है आगे विधानसभा का घेराव भी आज तैयारी हो जाए, ये हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के नेतृत्व में आगे की रणनीति तय की जाएगी। विधानसभा घेराव भी हो सकता है, सरकार के का भी घेराव हो सकता है, और ये कहा जाता है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया है उससे कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और सरकार, उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तो पहले पुलिस कर्मियों की जो हिस्सेदारी उसको हटाने का काम किया, तब जाके हमें एडवोकेट एडवोकेट जो एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं हम स्वीकार सकते हैं। और हापुड़ में अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो न्याय के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दानिश के साथ सिंह, एएनएम न्यूज़ लखनऊ।